सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं कि दोस्तों आप एक ही पोस्ट को इंस्टाग्राम के दो अकाउंट पर कैसे डाल सकते हो। एक ही बार में दोस्तों आप एक ही पोस्ट को पोस्ट करोगे और वो दो अकाउंट में किस तरीके से अपलोड होगी, तो आज के वीडियो में यही कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है आपके इंस्टाग्राम पर, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो दोस्तों नीचे प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जब मैं एक फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि मैं यहाँ पर ये जो एक फ़ोटो है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एरो का आइकन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से चाहो तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो, तो यहाँ से मैं फ़िल्टर को कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद वापस एरो का आइकन पर क्लिक कर देंगे, तो अब आपका चैप्टर रहेगा मेन यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐड रिमेंबर, ऐड म्यूजिक, ऐड लोकेशन, ऐड मैसेज और टैग। तो जो ऊपरी ऊपर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है टैग पीपल, तो इस पर क्लिक कर देंगे ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा ऐड टैग और दूसरी साइड में एंड क्लोबरिटी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप दोस्तों जिस अकाउंट को आप एक ही पोस्ट में दो बार साझा करना चाहते हो उसको यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही मैं ये यहाँ पर मेरा अकाउंट को सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर ये नीचे अकाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस राइट वाले आइकन पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करके आप यहाँ पर आपके सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर राइट के आइकन पर सिलेक्ट करोगे, तो ये प्रोफाइल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, तो ये प्रोफाइल दोस्तों हमें यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डाल सकते हो। आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।